फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज ईद है मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए। आज हम आपको ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, हमने आपको 7th क्लास की 3A एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। हालांकि कंप्लीट नहीं कराई है हमने, उसके 2 सवाल कराए हैं। देखिए, अगर आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है तो आप हमको कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे। हमने इस वजह से आपको 3A के 2 सवाल कराए हैं क्योंकि उसके बाकी के सवाल बिल्कुल सेम ही हैं। देखिए, आज हम आपको 3B एक्सरसाइज कराएंगे, जिसके अंदर हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारा आपका यह है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए, किसी किए शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए, समांतर माध्य क्या होता है, सबसे पहले बात आती है कि समांतर माध्य क्या होता है, तो हम आपको बताइए कि समांतर माध्य क्या होता है। देखिए, पहले आप समांतर माध्य लिखिए, समांतर माध्य है, समांतर माध्य। देखिए, इसके नाम से पता पड़ रहा, समान समांतर यानी कि समान अंतर, समान अंतर, समांतर से पता पड़ रहा है। इसको दो भागों में टुकड़े करो, इसके एक क्या है समान और अंतर। इसमें क्या है, समांतर का मतलब क्या है, समान अंतर, माध्य का मतलब क्या होता है, बीच का। यानी कि हमको अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स दिए हो, यानी कि 10 नंबर्स दे दिए, 20 नंबर्स दे दिए, तो हमको क्या निकालना है, उन 10 या 20 नंबर्स का समान अंतर का बीच का नंबर्स निकालना, वही समांतर माध्य होता है। क्या होता है, समझ आ गई होगी बात आपको कि समांतर माध्य क्या होता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास 1, 5, 6, 9 और 8 दिए हुए हैं, अगर हमारे पास ये नंबर्स दे दिए हैं और हमको कह दिया है कि इसका समांतर माध्य निकालो, तो इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, एक समांतर माध्य, इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। क्या होता है इसका फॉर्मूला, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए, योग क्या होगा, जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उन्हीं का हमको योग निकालना है, तो इसका योग निकालेंगे, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 6 कितने हो गए 23, 5 28 और 29 कितना हुआ 29 अपॉन कुल संख्या कितनी है। देखिए, हमको नंबर्स गिनने हैं, 1 नंबर ये होगा, 2, 3, 4, 5 कितने नंबर हमारे पास 5। देखिए, अगर हम इससे 5 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर लो, 5 5 25 हासिल लेके 4 5 8 40, तो 5.8 क्या आ जाएगा, इसका समांतर माध्य आ जाएगा। समझ आई बात। देखिए, अब हम आपको सवाल कराते हैं। देखिए, आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा, हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं, पहला सवाल कराते हैं इसका। पहले सवाल में क्या निकलना, समांतर माध्य निकलना, वही है कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए, नंबर्स क्या दिए हुए हैं, 40 50 68 70 और 72। क्या करना है, इनको ऐड करना है, इनको, क्योंकि हमको कुल योग निकालना है। देखिए, फॉर्मूला क्या है इसका, समांतर माध्य है। क्या फॉर्मूला है इसका, कुल योग बटे कुल संख्या। क्या फॉर्मूला है इसका, कुल योग बटे कुल संख्या। अब देखिए, कुल योग निकालना है हमको, इनको इनका योग निकालना है, तो योग कैसे निकालेंगे, 8 और 2 कितने हो गए 10, हाँ से लगा 1 5 4 5 5 10। देखिए, यहां से लगा लो, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 5 10 6 16 16 7 23 23 और 7 30 कितना होगा 300। तो कुल योग कितना है इसका, 300 योग है अपॉन कुल संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है इन नंबर्स की, 5 संख्या है, इससे इसको डिवाइड कर लो, 5 6 30 60 इसका आंसर होगा, और यही इसका समांतर माध्य, यही इसका आंसर होगा। पहला सवाल आपका कंप्लीट है। देखिए, सेकंड सवाल क्या है आपका, सेकंड सवाल देखिए ये, सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, सेकंड सवाल आप देख सकते हैं, सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, और मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रम से इतने 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 हैं, इतने रुपये मजदूरी की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, क्या करना है हमको, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसके हमें नंबर्स दिए हुए हैं, देखिए नंबर्स कितने हैं, कुल मजदूर कितने हमारे पास 15 हैं, कुल मजदूर कितने हमारे पास 15। अब हम क्या करेंगे, देखिए इनके नंबर्स, हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनको लिख लेते हैं, 70 110 65 75 85 86 76 94 और क्या है हमारे पास, 100 105 110 103 81 और 86। देखिए, हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं,
हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे, देखिए समांतर बाध्य क्या होता है, देखिए समांतर बाध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर बाध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है इनका, देखिए जब इनको ऐड करेंगे ना, जब इनको ऐड करेंगे तो कुल योग आएगा इनका 1320। कुल योग कितना आएगा 1320, कुल संख्या कितनी है हमारे पास 15। निकालने के हमको समांतर माध्य निकालना है, तो 1320 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 अट्ठे 120 बचेंगे हमारे पास 12। 20 और 12 कितने होंगे 32, 15 अट्ठे 120, तो 88 इसका आंसर होगा, 88 इसका आंसर होगा। देखिए सेकंड सवाल भी आपका कंप्लीट है, थर्ड सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या करना है, सारणी दी हुई है, इसमें समांतर माध्य याद करना है, इसका क्या देखिए पद दिया हुआ है, क्या दे रखा है इसमें पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पद, पद कितने हैं इसके 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है और 14, बारंबारता दी हुई है, बारंबारता कितनी है 3 4 2 2 6 और 8। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए हमें पद दे रखा है और बारंबारता दी हुई है, देखिए क्या दिया हुआ है पद दी हुई है, पद दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है, और इसका क्या निकालना है समांतर माध्य निकालना है। देखिए समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, इस पद को मान लेंगे हम x, पद को क्या मानेंगे हम x मानेंगे, बारंबारता को क्या मानेंगे f, क्या मानेंगे देखिए करने का तरीका यही है, पद को मानेंगे x, बारंबारता को मानेंगे f, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई निकालनी पड़ेगी, इसको मानेंगे हम f और x, क्या मानेंगे इसको f x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 दिया 12 6 24 8 दूनी 16 10 दूनी 20 और 12 6 72 और 14 6 84। देखिए हमारे पास क्या है, बारंबारता हमारे पास f है, f x क्या है हमारे पास, ये टोटल नंबर्स है, तो देखिए इनका जो योग होता है ना, देखिए योग के साइन को हम लिखते हैं इस तरीके से, समेशन, यानी कि सिग्मा होता है, क्या बोलते हैं इसको सिग्मा, देखिए समेशन ही बोल देते हैं इसको और सिग्मा ही बोल देते हैं, इसको समेशन भी बोला जाता है और सिग्मा भी बोला जाता है, तो हमको क्या लिखेंगे यहाँ पर योग निकालना है इसका, तो हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे समेशन यानी कि सिग्मा एफ, क्या निकालेंगे सिग्मा एफ, इसको ऐड करो 8 और 6 14 है तो 16 2 18 है 24 8 6 14 तो 16 2 18 है 4 22 और 3 25, कितना आया 25 आया, देखिए समेशन यानी कि सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा, देखिए इनको ऐड करो 4 2 6 6 6 12 12 4 16 16 2 18 का 8 कहाँ से लेगा 1 8 7 15 15 2 17 18 है 2 20 और 1 22 और 1 23, कितना है 338। तो देखिए हमारा समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, फॉर्मूला क्या है समांतर माध्य का, समांतर माध्य क्या होगा, देखिए कुल योग होता है बटे कुल संख्या, कुल योग क्या ले लेंगे हम सिग्मा एफ एक्स, कुल संख्या कितनी है हमारे पास सिग्मा एफ, तो योग कितना है एफ एक्स का 238 अपॉन सिग्मा एफ कितना हमारे पास 25। देखिए जब इसको 25 से डिवाइड करेंगे हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा, 25 नहीं चलेगा 238 है, 238 ही है ना, एक बार फिर ऐड कर लो 4 28 आएगा 228, देखिए यहाँ पर कितना आएगा 14 अट्ठे 112 देखिए यहाँ पर कितना आएगा 112 आएगा, इसको दोबारा ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 4 4 6 10 10 4 14 2 16 का 6 का हासिल लगा 1 1 1 2 2 4 5 2 7 7 14 1 15 का 5 का हासिल लगा 1 1 2, 256 आएगा, कितना आएगा 256, 25 से करो 25 एकम 25, क्या करेंगे 25 से जब चलने का नहीं 6 में तो 10 लगाएंगे, पॉइंट लगाया क्योंकि 25 दूनी कितना आ जाएगा 25 दिया 25 दूनी 50, 10 बचेगा तो 25 होगा, तो 10.24 इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर है।